अगर हमारे सिस्टम में से कोई बच्चा ठीक ठाक निकल रहा है, उसकी ये वजह कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसा टीचर उसकी लाइफ में भेज दिया है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए हु हैज़ इन फैक्ट गॉन द एक्स्ट्रा माइल। तो मुझे याद पड़ता है मेरी पूरी स्कूलिंग के अंदर, जिशान भाई कह रहे थे कि इनके टीचर्स माशाल्लाह अच्छे थे, अल्लाह ताला ने इनको बड़ा रहम किया इन पर। मेरे टीचर्स में से इक्का दुक्का मुझे याद हैं जो बहुत अच्छे थे, दे वर वेरी इन्फ्लुएंशियल इन माई लाइफ, एंड अगर थोड़ा बहुत मेरा किबला कोई दुरुस्त रहा है तो उन्हीं की वजह से, अदरवाइज द सिस्टम वॉज नॉट डिजाइन दैट वे। सो आई थिंक हमें क्या करना चाहिए, यस टीचर्स तैयार करने चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, वी नीड टू ऑल्सो हैव अ री लुक एट द इंटायर एजुकेशन सिस्टम कि इज दिस मॉडल इवन वर्थ वाइल, इज इट इवन वर्किंग। यानी पूरे कोविड में आपने देखा क्या हुआ है, सारे बच्चे ऑनलाइन गए हुए, वहाँ पे आपका लिटमस टेस्ट हो गया था कि स्कूलिंग सिस्टम का क्या हुआ है, और अब बच्चों को समझ आ रहा है, अच्छा यार ये बात तो मैं ट्यूटोरियल वीडियो देख के भी सीख सकता था, आई कुड हैव लर्न्ड इट इन अ लॉट लेस। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ सीखना ही था और ग्रेड लेना था तो वो तो मैं ऐसे भी ले सकता हूँ। तो आई थिंक व्हाट रियली शुड हैपन इज कि जो स्कूल का एनवायरनमेंट था ना, उसका पर्पस कुछ और था, कि उसने स्कूलों ने यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड कुछ और करना था। अनफॉर्चुनेटली एक वही जो आपने शुरू में कहा था ना कि एक मैकेनिज्म ऐसा बन गया कि जहाँ पे बच्चे आ रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, बट असल में वो जो प्रोडक्ट है किसी भी फैक्ट्री का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस कर रही है। तो आप ज़रा सिर्फ जायजा लें, आप एनालिसिस करें, आप रिसर्च करें ज़रा थोड़ी देर के लिए, कोई एक दो बंदे लगाएं, आप देखें कि जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। वो प्रोडक्ट जो है, चलो दीनी बात तो बाद की बात है, मैं तो उसको भी सेकेंडरी कहता हूँ, चलो आप बताओ वो जो प्राइमरी फंक्शन था स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, उसमें वो कहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल, मतलब लुक एट द हाइट ऑफ इट कि चले आपने कहा ना स्कूल का काम तरबियत नहीं है, ओके नहीं है, अब तो शायद स्कूल का काम तालीम भी नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों की फीस देते हैं और बच्चा वहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी पढ़ रहा है, और उसके बाद वो घर आए कहते हैं अम्मी अम्मी मुझे ट्यूशन चाहिए, ठीक है, तो मुझे बताएं ये तालीम भी दी थी कि नहीं दी थी आपने, तो व्हाट आर वी पेइंग फॉर, व्हाट्स हैपनिंग हियर। सो मैं समझता हूँ देयर इज अ कंप्लीट ओवरहॉल दैट्स रिक्वायर्ड ऑफ द एंटायर एजुकेशन सिस्टम, और ये कैसे हो, कब होगा, आई थिंक सबसे पहली बात हुई है इस स्टेप पे, बेबी स्टेप नंबर वन ये है, रेज अवेयरनेस, लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स प्रपोज अदर सोल्यूशंस, लेट्स प्रपोज अदर आइडियाज, एंड आई थिंक जो भी स्कूल्स इसमें माशाल्लाह ISL वाले हैं, जो भी लीड करेगा हुए, दे विल बी द शाइनिंग लाइट। एंड आई थिंक स्कूल्स लाइक ISL एंड अदर्स आउट देयर जो कि एस्पायर करते हैं कि जी हमने कैरेक्टर पर काम करना है, वो बता सकते हैं कि भाई देखो हमने इन चीज़ों को छोड़ के भी ना हम नंबर वन हो सकते हैं, लाइक डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने अपने आप को एंकर किया है एथिकल मॉरल वैल्यूज में, इस्लामिक हिस्ट्री में, एंड सो ऑन, स्टिल विद दैट वी कैन प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट्स बेटर देन एनीबॉडी एल्स। तो दैट आई थिंक इज गोइंग टू, वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल ठीक। तो लेट आवर एक्शंस डू द टॉकिंग। अरे भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक आधे मिनट में एक चीज में ऐड करना चाहता हूं, जो आपका एजुकेशन वाला टॉपिक था। आई थिंक दैट माइट ऐड वैल्यू टू व्हाट वी आर डूइंग। मेरी भी ट्रेनिंग्स ख़त्म हुई APS में, अपना टीचर्स ट्रेनिंग पार्ट ऑफ आवर जॉब इज़ टीचर की ट्रेनिंग भी होती है। तो यू नो एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन आप डेटा इकट्ठा करते हैं, सो यू कैन आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स। तो अब मैं जो APS के टीचर्स हैं मुख्तलिफ स्कूलों के वहाँ बैठे हैं, उनके साथ बातचीत हुई, क्या वट इज़ द एक्सपेक्टेशन फ्राम यू, इंस्टीट्यूशन की नहीं, पेरेंट्स की। डू यू नो कि ये सवाल कि कितने पेरेंट्स ने कभी आके आपको कंग्रेचुलेट किया है कि मेरे बच्चे ने कोई घर में गलत काम किया, कोई चीज़ तोड़ी, और मैंने उससे पूछा और उसने सच बता दिया, और मैं आपको कंग्रेचुलेट करने आया हूँ आज कि आपने मेरे बच्चे कितनी किरदार साजी की है। इस सवाल का डू यू नो कितने टीचर्स ने कहा कि हमें ऐसा फीडबैक कभी मिला है? ज़ीरो। क्योंकि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ये है कि मेरा बच्चा इतने नंबर ले, दैट्स इट। बिल्कुल ठीक। अब अगर स्कूल एक सर्विस प्रोवाइडर है तो सर्विस तो वो उसी चीज़ की प्रोवाइड करेगा जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन में चाइल्ड की कैरेक्टर डेवलपमेंट है ही नहीं, जो हम बात कर रहे थे आगे, मोहम्मद अली भाई बात कर रहे थे कि वो जो पेरेंट्स हैं दे आर टू बी ब्लेम्ड एज वेल। और आई थिंक जब हम बात करते हैं टीचर्स ट्रेनिंग की, बात करते हैं स्कूलों की, बात करते हैं स्टूडेंट्स की, आई थिंक देयर हैज़ टू बी एन एलिमेंट ऑफ पेरेंटल ट्रेनिंग एज वेल के सेशंस हो। जैसे आपका इदारा है, बुलाने बताएं कि देखो भाई एटलीस्ट हैव द एक्सपेक्टेशंस राइट सो दैट समवन कैन डिलीवर दैट। तो जब तक यही चलता रहेगा कि आपस में एक रेस लगी हुई है कि मेरे बेटे ने ज़्यादा नंबर लिए थे कि मोहम्मद अली साहब के बेटे ने ज़्यादा नंबर लिए थे, तो फिर वो नंबर ही प्रोड्यूस होंगे, नथिंग एल्स विल हैपन। अली भाई, समथिंग हैपेंड, ISL वाज इन हेडलाइंस, तो इफ यू अलाउ लेट मी आस्क यू कि ये टेड टॉक्स जो आप करवा रहे थे उसमें ज़ाहिर है मुख्तलिफ लोग थे फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, तो यू गाइस डिसाइडेड के वी हैव टू यू नो यू गाइस डिसाइडेड के वी नीड नॉट कॉल वन ऑफ द पर्सन, एंड द रीज़न यू गेव वाज के पेरेंट्स नहीं चाह रहे
तो देर वॉज अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी, देर वॉज अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई ऑल ओवर द प्लेस कि ये अच्छा नहीं किया आपने, मतलब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के ख़िलाफ़ है वगैरह वगैरह. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? ओके, सो बेसिकली फर्स्टली व्हाट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच? देखिए, हर चीज़ की एक सर्टेन लिमिटेशन और एक बाउंड्री है, राइट? वो ब्रीच नहीं होनी चाहिए. कोई मुझे उठ के ये कहे कि जी मैं किसी और के लिए चेंज नहीं हो सकता, चले एक हद तक ठीक है, लेकिन अगर वो चीज़ इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है तो आपको चेंज होना पड़ेगा. जहाँ तक ये बात आपकी टेडएक्स की, जो आईएसएल में हुआ और काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल भी गया, देखें इन आईएसएल बेसिकली मैं स्टूडेंट्स को एम्पावर करता हूँ. वी हैव सोसाइटीज, वेरियस सोसाइटीज, राइट, वेयर स्टूडेंट्स वर्क एंड आई गिव देम एम्पल अपॉर्चुनिटी to work and take initiative so that they become entrepreneurs. Right. अगर वहाँ भी मैंने अपना ही दिमाग इस्तेमाल करना है, then why am I making the society? ठीक. This is as simple as that. ठीक. उन society के members ने, students ने कुछ लोगों को invite कर ली, जिसने last day भी invite किया, उसे last day भी invite किया. सही. It was a normal thing for us. क्योंकि there was no precedent to it. बिल्कुल ठीक. और उसके बाद मैं यहाँ था नहीं, आई वॉज इन स्टेट्स. सर शहजाद थोड़े बिजी थे. सही. बात खत्म हो गई. इन्होंने इनवाइट भेज दिया. ठीक. बाद में कुछ जब हमने, क्योंकि जब होता ही है कि जब वो इवेंचुअल आ रहा होता है, आपका इवेंट आ रहा होता है, तो वी शुड नो दैट हु इज कमिंग एंड हु इज नॉट कमिंग. लिस्ट आई हमारे पास, वी स्टार्टेड डूइंग आवर होमवर्क. अच्छा, कौन कौन आ रहा है, किस किस को बुलाया हमने, वी अप्रिशिएटेड देम. बीच में कुछ कंसर्न्स आए रिगार्डिंग ए पर्सनैलिटी के ही शुड नॉट बी ब्रॉट इन एज अ स्पीकर. कुछ पेरेंट्स ने भी कंसर्न्स रेज किए, कुछ हमारे भी कंसर्न्स थे, कुछ कंसर्न्स स्टूडेंट्स से आ रहे थे, सब कुछ इकट्ठा हो गया. सही. राइट. इतने में आई केम बैक टू पाकिस्तान. वी हैड अ मीटिंग एंड दो हमने इन्वाइट उनको भेज दिया हुआ था. सही. ठीक है. हमारी जो आप टेडएक्स की तरफ से, वो आप समझ लें, if it's our mistake, I accept it. Right. Sorry. I'm never hesitant in actually accepting mistakes. I accept the mistake, but then the problem is, agar mera aur aapka masla hai Ali, let's say, to aap jaake Zia bhai ko batayenge, aap jaake Zeeshan ko batayenge, sahi, aap jaake Kaise saab ko batayenge, aap mujhe batayenge. Absolutely. To hua ye ki maine unko personal maine message karwaya, sahi, ki we are apologetic, right, and if you want to have a discussion, we the adults can sit together, right, and you can talk to us, but these are like gullible minds, you know. To ye bachche aajkal to kisi bhi influential insaan ko apna hero maan lete hain. Sahi. Theek hai. To maine bhi Allah ko jawab dena. To I think it won't be appropriate. Right. This is all going very privately it was going. But then all of a sudden it was all on social media. Yep. क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कोई बंदा नहीं पकड़ना पड़ता गीबत या चुगली करने के लिए. आप सीधा करते हैं, आप तो अवामुन नास में करते हैं. सही बात.